देखो, हमने सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था या फिजिक्स स्टार्ट की थी प्लस टू की, तो हमने क्या किया था, डीसी से स्टार्ट किया। हमने डीसी करंट को स्टडी किया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। हमने डीसी करंट को स्टडी करके रेजिस्टेंस में पास किया। हमने देखा कि अगर ईएमएफ है या वी वोल्ट की ईएमएफ अप्लाई करते हो एक सेल की, तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए ओम लॉ हमने अप्लाई किया। तो करंट हमने रेजिस्टर में पास किया, हमें करना आता है डीसी करंट। फिर हमने थोड़ा और चैप्टर को आगे बढ़ाया, मैग्नेटिक इफेक्ट सोलेनोइड किया। हमने डीसी करंट को सोलेनोइड के अंदर भी पास किया और हमने बी को स्टडी किया, बी इज म्यू नॉट एन आई, बात खत्म। फिर हमने क्या किया, हमने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर के अंदर डीसी करंट को पास करने की कोशिश की, इसने ब्लॉक कर दिया था। तो डीसी करंट जब कांस्टेंट हो जाता है स्टेडी स्टेट पे, तो कैपेसिटर पास नहीं होने देता, लेकिन जब तक इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटर पास होने देता है। हमें बिहेवियर पता है डीसी करंट का, किसमें, कैपेसिटर में, इंडक्टर में और रेजिस्टर में। लेकिन हमें बिहेवियर नहीं पता करंट का, एसी करंट जब रेजिस्टर में पास किया जाएगा तो कैसे पास होगा, इंडक्टर में कैसे होगा और कैपेसिटर में कैसे होगा, आज का लेक्चर यही है। तो इसलिए पहला टॉपिक क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, बस सिर्फ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब ये रेजिस्टिविटी वाली मटेरियल की वजह से आ रहा है। तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली में मैंने ईएमएफ क्या अप्लाई की, एसी, ये सिंबल किसका है, ऑल्टरनेटिंग का, एसी का। तो मैंने ईएमएफ जो अप्लाई की वो कितनी अप्लाई की, मैंने ईएमएफ अप्लाई की ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने क्या बताया था, अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आर से डिवाइड करोगे तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। तो करंट भी इंस्टेंटेनियस होगा, कितना, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। तो अगर मैं साइन की वैल्यू को वन पुट कर दूं मैक्सिमम, तो करंट भी मैक्सिमम आएगा। तो ई नॉट बाय आर इसका मतलब मैक्सिमम करंट है आई नॉट। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, ईएमएफ हमने अप्लाई की थी कितनी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट कितना आया रजिस्टर में, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है यहां तक। अब ये जो ओमेगा टी होता है, ये होता है ईएमएफ और करंट का फेज। अब ये फेज क्या होते हैं, फेज स्टडी करने के लिए 2 मिनट के लिए आपको प्लस वन में वापस जाना पड़ेगा। फेज का मतलब एंगल होते हैं। कोई भी जब पीरियोडिक मोशन होती है उसको कंपेयर किया जाता है विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हमने ये प्लस वन के अंदर किया था कि अगर कोई भी, मान लो कोई भी बॉडी है, और जैसे पेंडुलम है, एक पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ पर आता है, मीन पोजीशन पे आता है, उसके बाद वापस एक्सट्रीम पे आता है, एंड सो ऑन। तो जब पेंडुलम यहाँ से यहाँ आता है, हम अपने मन में कंपेयर करते हैं कि कोई बॉडी किस में घूम रही है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब ये पेंडुलम यहाँ पे होता है तो हमारी पोजीशन ये होती है, जब पेंडुलम यहाँ पे आ जाता है हमारी पोजीशन ये होती है, जब ये पेंडुलम वापस आ जाता है यहाँ पे तो हमारी पोजीशन ये होती है, जब इधर चला जाता है तो ये पोजीशन होती है, और जब वापस आता है तो ये पोजीशन होती है। ऐसा ही होता है, 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3 4। तो अपने मन में कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे पेंडुलम इधर जा रहा है तो कोई बॉडी इधर आ रही है, वापस आ रहा है इधर आ रही है, फिर इधर जा रहा है इधर आ रही है, वापस आ रहा है तो इधर आ रही है। तो जैसे पेंडुलम अपनी जगह पे वापस आ गया, सर्कल में घूमती हुई बॉडी भी अपनी जगह पे वापस आ गई, राइट। तो किसी भी इंस्टेंट पर जब पेंडुलम यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मान लो रास्ते में यहाँ भी आया होगा, तो किसी भी इंस्टेंट पर सर्कुलर मोशन का स्टैंडर्ड एंगल क्या लिया जाता है, एट टाइम टी, ओमेगा टी। तो सर्कल के सेंटर पे एंगल क्या लिया जाता है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी एंगल है, इसको बोलते हैं फेज, इसको बोलते हैं एंगल नहीं, सर्कुलर मोशन के अंदर इसको क्या बोलते हैं, फेज। तो मान लो पेंडुलम ने फेज कितना कवर किया, एट टाइम स्मॉल टी, ओमेगा टी। ये एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं लेना होता है, ये एंगल नहीं लेना, सर्कल मोशन के सेंटर पे एंगल लेना, ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक, इसको फेज बोलते हैं। कोई भी पीरियोडिक मोशन हो, चाहे वो पेंडुलम हो, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो, चाहे वो ई नॉट साइन ओमेगा टी हो, साइन, अगर साइन फंक्शन आ गया तो पीरियोडिक तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि पीरियोडिकली ईएमएफ अपनी वैल्यू को चेंज करेगी, पीरियोडिकली करंट भी अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, तो इसलिए इट कैन बी कंपेयर्ड विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसे सपोज करो, अगर मैं कहूँ कि ई की वैल्यू इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो अगर मैं कंपेयर करूं कि मेरी ईएमएफ की वैल्यू पीरियोडिकली अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, तो किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे फेज कितना कवर हुआ हुआ है यहां पे,
ओमेगा टी, ये फेज होता है ओमेगा टी, यानी कि कोई बॉडी कहीं पर, यानी कि ईएमएफ की वैल्यू अगर ईएमएफ को एक एरो से वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं जो फेजेस शो कर रहा है, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, तो अगर मैं फेज की तरह शो करूं कि ये मान लो मेरी ईएमएफ है अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पर एंगल कवर क्या करेगी, ओमेगा टी, राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से आप कंपेयर करते हैं अपने बॉडी को विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसी करंट को भी कर सकते हैं, ऐसी ईएमएफ को भी कर सकते हैं, क्योंकि करंट और ईएमएफ बोथ आर पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिकली अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, और जो चीज़ें पीरियोडिकली चेंज करती हैं उनका फेस सर्कल पे बनेगा बनेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो अब इस केस में अगर मैं बात करूँ कि ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करो और करंट का ग्राफ प्लॉट करो, तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, ईएमएफ की इक्वेशन है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन क्या है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दोनों साइन ग्राफ बनाते हैं। मैथ में साइन ग्राफ कैसे बनता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ये आपका साइन का ग्राफ है, ये देख रहे हो ईएमएफ का ये ग्राफ है, ठीक है। और अगर आप करंट की बात करते हो तो आपका जो करंट का ग्राफ है वो थोड़ा नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि ई इज इक्वल टू आई इन टू आर, रेजिस्टेंस अगर ग्रेटर देन वन है तो ईएमएफ ज़्यादा आएगी करंट छोटा आएगा, पर उल्टा भी हो सकता है करंट छोटा बड़ा हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो करंट बनेगा वो भी एंगल उतना ही कवर करेगा जितने ईएमएफ ने किया था। जैसे ईएमएफ ने यहाँ से यहाँ एंगल जो कवर किया वो कितना किया पाई, और यहाँ पर कितना हो गया टू पाई, तो करंट ने भी उतना ही एंगल कवर करना है पाई, और यहाँ पर कितना करना है टू पाई। वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती है पर फेज की वैल्यू, एंगल्स की वैल्यू विल रिमेन सेम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इनके फेजेस अगर शो करने हैं तो सर्कल से नहीं शो करने, ऐसे शो कर दो, ये देखो ये फेजेस हैं, तो ये इसके एंगल्स हैं, ये फेजेस हैं, तो करंट का और ईएमएफ का फेज सेम है, कोई डाउट है इसमें, डायग्राम क्लियर है। और अगर आपको वेक्टर से शो करना है तो ऐसे कर दो, वेक्टर में ऐसे करो कि मान लो आपके पास ये, मान लो कोई भी सर्कुलर मोशन की तरह है, ये मान लो ईएमएफ का वेक्टर है, यू आर कंपेयरिंग योर ईएमएफ इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ईएमएफ का एंगल किसी भी इंस्टेंट पर कितना है ओमेगा टी। और अगर आप इसी ग्राफ में करंट वेक्टर भी ले लो, करंट को सर्कुलर से कंपेयर करो, तो उसी इंस्टेंट पर करंट का एंगल भी एग्जैक्टली क्या होगा ओमेगा टी। सर्कल ने ड्रॉ किया, अदरवाइज एरो तो ड्रॉ कर ही दिए कि अगर ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी है तो करंट का एंगल ओमेगा टी होगा। तो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया ईएमएफ, मतलब सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में अगर ईएमएफ का एंगल किसी भी इंस्टेंट पर ओमेगा टी है, तो करंट थोड़ा छोटा ले लिया, बड़ा छोटा कुछ भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो इसका एंगल भी क्या है ओमेगा टी ही है। तो ये डायग्राम भी साथ बनेंगे एनसीईआरटी में अगर पेपर में आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो हमने क्या सीखा कि जब ओनली रेजिस्टर लगा होता है, ओनली रेजिस्टेंस की वैल्यू लगी होती है एक सर्किट में, तो ईएमएफ एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, फेज दोनों का एग्जैक्टली सेम होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?